नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई महत्वपूर्ण अपडेट में। तो पोषण ट्रैकर ऐप का एक नया अपडेट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा 20.3। तो सभी सेविका बहनों को पोषण ट्रैकर ऐप का ये जो नया अपडेट है 20.3 प्ले स्टोर में आना है और इसको अपडेट कर लेना है। वैसे आप पोषण ट्रैकर ऐप खोलेंगी तो वहाँ पर भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट ज़रूर कर लें। इस अपडेट में आप लोगों के लिए 6 महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं जिनके बारे में आपको बारी बारी से इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि ये क्या अपडेट है और कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें कि पहला जो अपडेट है वो आधार वेरिफिकेशन इज मेड मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ये कह रहा है कि आधार वेरिफिकेशन जो है कि आप लोग उसी टाइम करना है जब आप बच्चों का या किसी भी गर्भवती धात्री महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी टाइम आप लोगों को आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में भी आप लोग आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए कभी काल ऐसा होता है कि नेट हम लोग का ख़त्म हो जाता है, उस टाइम हम लोग को दिक्कत आती है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग ऑफलाइन मोड में भी आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम। तो यहाँ पर आप लोग अपडेट करके जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर जो बेनिफिशरी वाला कैटेगरी है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मॉड्यूल हैं उन लोगों का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में, जैसे हम लोग जानते ही हैं कि ऑनलाइन मोड में किसी भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे अब ऑफलाइन मोड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी एक कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ऑनलाइन मोड में हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि ऑफलाइन मोड में जैसे कि यहाँ पे आप नेट ऑफ कर सकते हैं या फ्लाइट मोड कर सकते हैं, ये आपका ऑफलाइन मोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आप लोग यहाँ पे साइन देख पाएंगे, ऑफलाइन मोड कैन बी स्टोर लास्ट 3 डेज डाटा ऑनली, यानी कि यहाँ पे ब्लैक साइन में आप लोगों को कुछ लिखा हुआ आएगा जो कि 3 दिनों के लिए आपका डाटा यहाँ पे ऑफलाइन मोड में स्टोर रहता है। और जैसे ही आपका नेट रिचार्ज हो जाता है तो आप जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करते हैं तो जो आपका डाटा है वो फिर से सर्वर पे अपलोड हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम ऑफलाइन मोड में एक रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे सबमिट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑफलाइन मोड में हैं और यहाँ पे हमने एक रजिस्ट्रेशन कर दिया है जो कि इस प्रकार से देख सकते हैं सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा जो नेट है वो अभी ऑफलाइन मोड में काम कर रहा है और यहाँ पर इसका आधार वेरिफिकेशन भी ऑफलाइन मोड में ही कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करते हैं। बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि एक नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं लिख रहा है डिवाइस इज ऑफलाइन, यानी कि आपका ऑफलाइन मोड में जो है कि यहाँ पे डिवाइस काम कर रहा है और यहाँ पे आप जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपका ऑफलाइन मोड में दिखाएगा कि कितने लाभार्थी को आप लोग ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन किए हैं, कितने को आधार वेरिफिकेशन किए हैं, सारा डेटा आप लोग को यहाँ पर दिखाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर नेट ऑन करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा है वो आपका सर्वर पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरल मॉड्यूल इन चिल्ड्रेंस कैटेगरी, यानी कि जो बच्चों की कैटेगरी है उसमें एक रेफरल मॉड्यूल को ऐड किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप पोषण ट्रैकर ऐप पे आएंगे और यहाँ पे डाटा को ऑन करेंगे यानी कि ऑनलाइन मोड में आएंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि जो ये एक ऑप्शन को ऐड किया गया है जो रेफरल कैटेगरी है, यानी कि बच्चों को जो रेफरल किया जाएगा उस कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई भी डाटा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये रेफरल कैटेगरी जो है आपको आगे के वीडियो में जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से ये रेफरल कैटेगरी काम करती है बच्चों का हेल्थ केयर के बारे में, कि बच्चा सैम मैम जो भी है उसका सब यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर हम तीसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अपडेट है सैम एंड सेवियरली अंडरवेट लिस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड द करेंट मंथ, यानी कि जो इस मंथ का डाटा है वो जो बच्चों का यहाँ पे सैम है कि अंडरवेट है वो सारा चीज़ इस मंथ का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वो चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलेंगी तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और नया चीज़ ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रेन का जो कैटेगरी है यहाँ पे दिखा देगा करेंट मंथ में कि कौन सा बच्चा सैम में है, कौन सा अंडरवेट है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी और आसानी से आप पहचान कर पाएंगे कि ये बच्चा सैम में है और ये अंडरवेट में है।
ठीक है, प्रीवियस मंथ का भी यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी डाटा है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप आसानी से पहचान कर सके कि बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है। तो ये यहाँ पे ये तीसरा अपडेट आप लोगों को देखने को इस प्रकार से मिल रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। जो अगला अपडेट है यहाँ पे, फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड टू सिंक द डाटा मैन्युअली, यानी कि जो आप लोगों का डाटा है उसको सिंक करने का मैन्युअली तरीका यहाँ पे दे दिया गया है। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी में जाके दिखाया था, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के बगल में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो डाटा है वो आपका सिंक कर दिया जाएगा। आपको मैन्युअली यहाँ पे आप लोग इसको डाटा जो सर्वर पे है उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि आप कोई भी डाटा को ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करते थे तो वहाँ पे आपका डाटा शो नहीं करता था कि किसका हमने ऑफलाइन मोड में जो डाटा है उसको हमने रजिस्ट्रेशन किया है। तो अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और खुद से अपने हाथ से ही इसको सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और नेट जब आपका ऑन होगा तो यहाँ पे ये जो डाटा है वो आपका सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद आप देख पाएंगे कि जो भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है उस कैटेगरी में वो लाभार्थी चला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन मोड में कोई भी गलत रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप लोग यहाँ से आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है, तो ये लाभार्थी यहाँ से आसानी से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पांचवा और छठा अपडेट है, जैसे कि माइनर बग फिक्स और ऐप ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि जब अपडेट आता है तो उसके साथ में ये दो अपडेट या एक अपडेट साथ में ज़रूर आता है। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में कोई छोटी मोटी गड़बड़ियाँ होती है तो उसको यहाँ पर ठीक कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से थी आज की ये 20.3 की अपडेट। आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।